मंगलदीप बैंड और बड़कस चौक मित्र मंडल की ओर से विदर्भ की सबसे बड़ी अनुसैया माता पालकी सोहला का आयोजन किया गया, जिसका प्रस्थान सोमवार को अनुसैया माता मंदिर लकड़ी पुल महल से हुआ। अनुसैया माता पालकी सोहरा नागपुर की ओर से सोमवार को पालकी उत्सव का आयोजन किया गया। ये पालकी सोहरा विदर्भ का सबसे बड़ा पालकी सोहरा के रूप में माना जाता है। बीते 28 सालों से अनुसैया माता के सभी भक्त बड़े ही भक्ति भाव से इसे पूर्ण करते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते ये पालकी सोहरा नहीं हो पाया, मगर इस साल भक्तों की चाह के सामने कोरोना भी कुछ नहीं कर पाया। इस साल बड़े ही उत्साह एवं भक्ति भाव के साथ पालकी सोहरा मनाया गया। 2 साल के बाद इन्हें मिला, इसलिए भक्तों के लिए आज का दिन विशेष रहा। पालकी का प्रारंभ शहर के लकड़ी पुल महल स्थित अनुसैया माता मंदिर से हुआ। पालकी मध्य नागपुर के विविध प्रमुख जगह से होकर पोदारेश्वर राम मंदिर होकर पारड़ सिंगा के लिए रवाना हुई। पालकी मार्ग पर भक्तों की ओर से रंगोली एवं फूल से पालकी का स्वागत किया गया। बैंड बाजा और फटाकों के बीच पालकी बड़कस चौक पहुंची। वहां मंगलदीप बैंड पार्टी संचालक लहानू इंगले और बड़कस चौक मित्र की ओर से पूजा अर्चना कर स्वागत किया गया था। सदगुरु अनुसैया माता की जय। हम ये चैनल वाला सब जो जनता है उनसे सबसे पहले तो अपील करना चाहते कि आज के 28 तारीख है और अनुसैया माता की पालकी का लकड़ा पुल अनुसैया माता मंदिर से आगमन हो चुका है। यह हमारी पालकी नागपुर शहर में यह 28 साल वो चालू है, पर 2 साल कोरोना के वजह से हुआ नहीं, कोविड के वजह से हुआ नहीं, पर हम अभी पूरा प्रयास के साथ में और भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, भक्तों को स्नेह को ध्यान में रखते हुए ये पालकी आज निकाले है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।